तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और साथ के साथ एक न्यूज है जहां पे कहीं ना कहीं खुशखबरी भी आप समझ सकते हो कि कहते हैं कि डूबते को तिनके का सारा, ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है एलविश यादव के सारे मुद्दों पे, जहां पे कुछ अच्छी खबर निकल के आई है चार दिन बाद। और यहां पे क्या उन्हें बेल मिलना अब आसान होगा, क्योंकि कुछ धाराएं थी जिनमें कुछ चेंज किया गया, जिसके कारण अब जो धाराएं चेंज करके उनको कुछ नई चीजें ऐड करी गई हैं। बाकी चीजें तो उनके अगेंस्ट जो चली रही हैं, जैसे कि कुछ चीजें आ रही हैं कि उन्होंने हामी भरी है, लेकिन क्या बेल मिलना अब आसान है? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे कि जो पहले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनको बेल मिल चुकी है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं है, उनको बेल मिल चुकी है। तो क्या अब आने वाले दिनों में, जैसे आज भी कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई गई है और बेल मिलने की अपील की गई है उनके वकील द्वारा एलविश यादव के, तो क्या आज बेल मिलेगी? तो अच्छी खबर तो यह है कि कुछ अब चीजें अच्छी होती हुई दिख रही है एलविश यादव के साथ। लगातार बहुत सी चीजें थी, उनके दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया, यहां पर कुछ चीजें आई कि यहां पर एलविश ने भी हामी भर ली है, वहां पर मीडिया भी हाथ धो के एलविश के पीछे पड़े हुए, सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब जो न्यूज निकल के आ रही है उसके साथ यही है कि जो धारा हटी है उससे कहीं ना कहीं केस थोड़ा सा वीक पड़ा और अब बेल मिलना आसान हो सकता है। तो बेल मिल जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि लोग और चाहने वाले उनका काफी वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक उन्हें बेल मिलती है। बाकी चीजें थोड़ी सी अब सुधरती हुई भी दिख रही है। तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपके इस मुद्दे पे क्या राय है। और हाँ, अब हम इसलिए भी था कि एक लाइव हम करने वाले हैं हमारे दूसरे चैनल पे मनीषा रानी पे, तो जल्दी से आ जाएं, बस थोड़ी देर में लाइव स्टार्ट करने वाले हैं हम वहाँ।